हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज शुक्रवार है एंड मुझे लगा इतना सुहाना मौसम है तो डेफिनेटली मुझे व्लॉग का शुरुआत इस पार्क से ही करना चाहिए। एंड मुझे लगता है दिस ब्यूटीफुल वेदर ना ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सेफ हो। तो आज बहुत ही खास डे है बिकॉज आज हम लोगों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैं क्या बोलूँगी, एटलीस्ट हम लोग का 50% टेंशन दूर होगा बिकॉज टुडे राई इज़ गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड। उसका आज फर्स्ट शॉट है वैक्सीन का एंड यूएस में आई थिंक सो थर्सडे से स्टार्ट हो गया था। ओ गॉड, अभी ये साउंड करेगा। तो एनीवे अभी मैं जाके वॉक करती हूँ एंड मैं आप सबसे मिलूँगी वॉक ख़त्म करने के बाद। तो फिर वॉक से आने के बाद ना तुरंत मैंने नहा लिया क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास एंड आज ना वो थोड़ा दूर बैठते, एक्चुअली काफ़ी दूर है, इट्स अराउंड हाफ एन आवर हम लोगों के घर से एंड शॉम एक थोड़ा ऐसा टेंशन में है। पर हम लोग सोच रहे हैं ना अगर हम लोग करेंगे भी तो बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस। आई थिंक आप लोग बहुत जन बोल भी रहे थे कि पायल समर पे कराओ क्योंकि रायकर ना अभी वो लोग के ईयर खत्म होने वाला है ना, शी इज इन सेवेंथ ग्रेड ना, तो अभी बहुत कुछ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग स्कूल में एंड या टुडे हाउ एक्साइटेड यू आर शॉमिक दैट राय इज गेटिंग वैक्सीनेटेड, वेरी एक्साइटेड। एंड सबसे अच्छा जो बात है ना, एक्चुअली मुझे ना ऐसा थोड़ा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं दूसरे बच्चे लेंगे भी या नहीं बिकॉज नो इट्स फाइनल कॉल तो जो पेरेंट्स वो लोग का ही होता है एंड अगर सपोज राय ने अकेले लिया एंड दूसरे किसी ने भी नहीं लिया देन इट्स नो यूज दैट मच, देन तो इतना यूज नहीं होगा। मोस्ट ऑफ यू नाउ नो राइट, एक कम्युनिटी बनना पड़ेगा जहाँ पे एवरी वन इज वैक्सीनेटेड। तो कल जब राय स्कूल से आई ना, शी इज मम्मी बहुत जन नहीं आई, इट सीम्स हाफ ऑफ द क्लास वैक्सीन लेने कल ही चले गए। अभी का जो रोड है ना, इट इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सीनिक व्यू है। तो चलिए अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. ओ माय गॉड, अभी रास्ते पे किसी ने ना यहाँ पे बहुत डियर है, शायद एक कार ने एक डियर को मार दिया तो उसका शायद ले गए बोले कि जो हुए थे ना, तो वो चल हिल भी नहीं पा रहा है, तो आई थिंक सो कार रुका हुआ है, मे बी दे हैव कॉल्ड समवन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इतना मैं बोलती रहती हूँ ना जंगली जगह है तो डियर ना अचानक ही ऐसा रास्ते पे आ जाता है, पर इतना बुरा लगा ना देख के, वो छोटा बेबी लग रहा है बिकॉज जनरली यहाँ के जो एडल्ट डियर होते हैं ना मेरे जैसे ही लंबे ना, और भी ज्यादा बहुत हाइट होता है, पर ये लगता है छोटा बेबी है, इतना बुरा लग रहा है ना देख के। एंड अभी हम लोग पहुंच जाएंगे, आई होप सो कोई वो लोग डेफिनेटली दे विल कॉल समवन फॉर हेल्प। Saw you down the motorway, there was something about you that day, I can still hear the shimmering sound. तो बहुत पहले ही हम लोग वे आ गए, बहुत पहले ही हम लोग घर आ गए थे एंड जस्ट लुक, शायद मैं हज़ार बार बोलूँगी कि कितना प्यारा मौसम है। एंड मैं आप सबको टाइम जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा देर बाद ही दिखाती हूँ। एंड अच्छा हुआ वेट, अभी ये मुझे नहीं दिखाएगा, इसको आने देते। एंड अच्छा हुआ आज हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, जो मेन डॉक्टर थे उनसे वी वेंट एंड वी कंसल्टेड विद हिम। तो ये जो टूथ है ना, ये एकदम लास्ट का यहाँ का है, तो वो बोल रहे कि नहीं इससे क्या होगा, इसका बाइट साइज ठीक नहीं है, इसका बाइट ठीक नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्योंकि ऐसा है ना। फिर शॉमिक बोल रहे हैं कि इज इट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या, ऐसा भी विजडम टूथ तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, पर अभी नहीं क्योंकि राय बहुत छोटी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग ऐसा दो तीन सिटिंग करके देखते हैं, थोड़ा भी अगर वो ठीक हो गया तो अभी निकालने का ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने लगा दिया है नया बैटरी एंड नाउ द टाइम इज 1:30. एक्चुअली ना इट वॉज क्वाइट फार, लाइक वो जगह ना बहुत ही दूर है, 35 मिनट्स जाने में, 35 मिनट्स आने में, तो सब मिला के ना मोर देन 1 आवर चला गया हम लोगों का. फिर आते आते हम लोग का 11:30 हो गया. उसके बाद ना मैंने सब अपना बर्तन एंड ऑल, मेरा जो काम रहता है क्योंकि सुबह में नहीं हुआ, मैं वॉक करने चली गई, वो सब मैंने किया. फिर ना मुझे ऐसा बहुत ही लेथर्जी लग रहा था, लाइक फ्राइडे ना मेरा ना चिल आउट डे रहता है. कोई कोई रोज ना ऐसा रखना चाहिए ना जिसमें लाइक आप अपने दुनिया में रहे. आई ऑलवेज डू इट, लाइक फ्राइडे इज माई डे, मैं हर वक्त अपनी दुनिया में रहती हूँ एंड जो मुझे करना है मैं करती रहती हूँ. तो आज लंच में बनेगा इज माई फेवरेट RT, यानी रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि कल जो मैंने चिकन बनाया था वो बहुत सारा है. तो जब तक ये पानी बॉयल हो रहा है तब तक दो, yesterday I got 4, तो दो बाकी है. मुझे लगा चलो दो भुट्टा भी बना लिया जाए. तो इसको होने देते हैं. एंड मैंने आज गैस लाइक जितना लो हो सके ना उतना किया है. एंड आज से ना मैं और शौमिक हम लोग थोड़ा रिलीफ होंगे. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन राइट, रायतो स्कूल लाइक डेली जाती थी एंड न्यूयॉर्क के केसेस भी काफ़ी हाई थे, पर हम लोगों ने ना चांस लिया था. मुझे और शौमिक को लगा था नहीं यू ना कहीं ना घर में बैठे बैठे ना बच्चों लोगों का मन ऐसा हो जाता है ना, दे डोंट फील यू नो, लॉन्ग टर्म तक किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. एंड यहाँ पे फिर जैसे सभी के बच्चे लाइक फिफ्थ से ना सभी के बच्चे स्कूल लाइक सभी बच्चे लोग स्कूल जाने लगे, तो हम लोगों को लगा चलो भगवान के नाम से ना चांस लेते. एंड ट्रस्ट में मैंने ना इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि ओ राय स्कूल जा रही है क्या होगा अगर उसका, लाइक मैंने कभी भी ये अपने दिमाग पे लाइक मैंने कभी भी नहीं सोचा. बिकॉज कभी कभी डर लगता था, देन फिर भी मुझे लगता था नहीं नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, मैं हर वक्त ये मानती हूँ. तो मैंने कुछ इस बारे में मैं कुछ सोचती ही नहीं थी. एंड ऐसा नहीं था कि रायलो के स्कूल में केसेस थे, बहुत सारे केसेस हुए थे, बट हाँ वन गुड थिंग वॉज ऐसा नहीं हुआ था कि एक बच्चे को हुआ था, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ऐसा कभी भी नहीं हुआ था. बट हाँ केसेस ऐसा आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा हो ही रहा था. एंड फिर जब ऐसा निकला कि बच्चे लोगों को वैक्सीन आ जाएगा, तब मुझे पता था कि 13 को आएगा एंड मुझे पता था कि न्यूयॉर्क में सबसे पहले आएगा. पर तब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सारे बच्चे लेंगे भी या नहीं, क्योंकि अगर राय अकेली रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. बोलते हैं ना आपको इस, दिस इज़ लाइक बोलते हैं ना झुंड में सबको रहना है. तो बट इट्स गुड मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो थोड़ा एक रिलीफ भी तो रहेगा ना. एंड कहीं पर भी हम लोग घूमने भी जा सकेंगे, फिर लगेगा हाँ वी 3 आर फुल्ली वैक्सीनेटेड. तो चलिए इस खुशी में मैं भुट्टा खा लूँगी. ऐसा तो मैं भुट्टा कभी भी खा सकती हूँ. बट एंड आज का एक्चुअली काफ़ी अच्छा हुआ है, कल जैसे बहुत ज़्यादा ही जल गया था. एंड एक्चुअली ना इतना ज़्यादा बर्न भी खाना नहीं चाहिए, मेनी ऑफ यू नो दैट, लाइक इतना ज़्यादा ना जला हुआ नहीं खाना चाहिए. तो शाम के लिए ना मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चॉप टाइप बनाऊँगी जिसमें अंडा बीच में रहेगा. सपोज अगर आपको अंडा नहीं देना है ना तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, मैं जैसा दिखाऊँगी, लाइक बीच में स्टफिंग अप. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड पनीर ऑल्सो. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बना के रख दूँगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ना मैं एक्चुअली सच्ची बात बोल रही हूँ कि मैं फ्राइडे में कुछ खाना बना रही हूँ. मोस्ट ऑफ़ यू नो कि फ्राइडे में तो मेरा संतोषी माता का व्रत रहता है ना, तो संतोषी माता का व्रत जनरली 16 व्रत आपको करना पड़ता है. एंड उसके बाद ना उज्जापन बोलते हैं, लाइक आपको कुछ एक पूजा देना पड़ता है. तो मेरा 16 सोमवार भी होता है ना, तो मेरा 16वां व्रत ख़त्म हो गया है. तो अभी वो पूजा में ना आपको ऐसा 7 बच्चे चाहिए एंड वो बच्चे लोग लाइक होल डे उस दिन जैसे कि होता है ना कुछ खट्टा एंड ऑल नहीं खाना, ये सब नहीं खाएंगे, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चे कहाँ से वेल लाऊं, तो ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड मेरी एक सहेली थी, लाइक सहेली है यहाँ पे, वो भी संतोषी माता करती थी, तो मैंने उसको पूछा तुमने क्या किया, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ प्रॉब्लम राइट. बिकॉज बहुत लाइक रूल्स आर सेम कि जब आप वो पूजा करेंगे ना, उज्जापन बोलते हैं हम लोग बंगाली में बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं. तो जिस दिन आप पूजा करेंगे
उस दिन यहाँ पे आलू हो गया है, उस दिन जैसे बच्चों लोगों को भी बहुत ऐसा कुछ भी खाना कुछ खाना नहीं, मतलब वो कुछ खट्टा एंड ऑल नहीं खाना है, तो शी इज़ लाइक कि पायल मैं मंदिर चली गई एंड मैंने पुजारी को बोला कि मेरा ऐसा संतोषी माता का 16 व्रत खत्म हो गया एंड इट सीम्स उन्होंने पूजा एंड ऑल करके दिया, पर अभी तो वो पॉसिबल नहीं है यू नो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, अभी ना यहाँ के कोई टेम्पल पे ऐसा पूजा एंड ऑल नहीं होता है। मे बी इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आने वाले महीनों में फिर से एवरीथिंग कैन स्टार्ट, तो मैंने सोचा है ना जैसे मैं हर वक्त बोलती हूँ कि दिस ऑल रूल्स आर मेड बाई ह्यूमन मैन, मैं अपना खुद का ही रूल बनाती हूँ, तो मैंने सोचा है कि मे बी नेक्स्ट वीक नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक में घर में कुछ ऐसा छोटा पूजा कर लूँगी। एंड मैंने स्वामी के स्वामी को बोला कि उस रोज़ तुम लोग लाइक फुल ऐसा कुछ यू नो खट्टा एंड ऑल मत खाना, तो मुझे लगा चलो आज मैं फ्राइडे कुछ अच्छा बनाती हूँ स्पेशली इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि कितना फ्राइडे से यू नो शॉमिक लोग वही बाहर से खाना लेके खाते हैं। एंड मैंने तो आई थिंक सो जैन को भी फेब को भी बहुत कम हुआ था मैंने कुछ बनाया था, आई यूज टू वो बैंगन मिलता है ना, मैं सिर्फ बैंगन भाजी बना के एंड थोड़ा राइस के साथ खाती थी। तो चलिए आज बनाते हैं, ये आलू चॉप टाइप होगा, अंदर में अंडा रहेगा, मैंने वो शेयर किया था एक बार पर अच्छी तरीके से नहीं दिखाया, तो अगर आपके पास बीट है ना आप बीट रूट भी ले सकते हैं, मैं जैसे गाजर ले रही हूँ तो मैं जैसे थोड़ा गाजर भी ले रही हूँ, तो गाजर का ना मैं थोड़ा कद्दूकस कर लूंगी। तो यहाँ पे दो गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पे एक मीडियम साइज अनियंस है, यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स अराउंड यू नो क्या बोलूँगी हाफ बंच, फिर यहाँ पे थोड़ा ग्रीन चिली है एंड यहाँ पे तीन आलू है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो एक पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, तो फर्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 teaspoon ऑफ जीरा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अनियंस एंड ग्रीन चिली। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा भूनेंगे, जब तक ना अनियंस अच्छी तरीके से भून जाए फिर हम लोग ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर हम लोग गाजर ऐड कर लेंगे, सपोज अगर आपको गाजर ऐड नहीं करना है देन नो नीड टू ऐड गाजर, फिर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, उसके बाद ना मैं इसमें ऐड करूंगी आलू। तो आलू को भी मैं कद्दूकस कर रही हूँ, ऐसा तो आलू बॉईल किया हुआ है पर कद्दूकस करने से ना बहुत स्मूथ होता है आलू का टेक्सचर। तो अभी हम लोग आलू को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे, फिर हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि सॉल्ट थोड़ा कम हुआ है, फिर मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 teaspoon ऑफ भाजा मसाला, इसका रेसिपी आई विल ट्राई टू गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी हम लोग इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करेंगे एंड फिर मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 teaspoon ऑफ चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सॉल्ट एंड आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ये ऑयल मैंने थोड़ा गरम करके ऐड किया है एंड इसमें थोड़े चिकन के पीसेस एक्स्ट्रा थी तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो अभी हम लोग अंडा को अच्छी तरीके से कट कर लेंगे मिडिल में एंड ऑलवेज मैं ये एक थ्रेड की मदद से करती हूँ क्योंकि बहुत ही इजीली कट हो जाता है। एंड फिर हम लोगों ने जो स्टफिंग बनाया था ना, पहले हाथ में ना थोड़ा ऑयल ले लीजिए एंड जस्ट देन अंडा के चारों तरफ ना वो स्टफिंग लगाइए ताकि अंडा फुल्ली कवर हो जाए। तो अभी हम लोग एक कॉर्नस्टार्च का ना एक थिक लाइक ऐसा घोल टाइप बनाएंगे, पर अगर आप चाहें तो अंडा भी दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स है, ये थोड़ा सीजन किया हुआ ब्रेड क्रम्स है तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास ये नहीं है देन यू कैन जस्ट मेक ब्रेड क्रम्स। तो पहले हम लोग कॉर्नस्टार्च को थोड़ा घोल लेंगे एंड हम लोग ना डबल कोटिंग करेंगे, लाइक देख सकते हैं कि मैंने कॉर्नस्टार्च से कोट किया, फिर मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉर्नस्टार्च में इसको डीप करूंगी, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा, ऑलवेज गो फॉर डबल कोटिंग। सो इट इज रेडी। तो रेडी हो गया है, रेडी मतलब क्या, अगर अभी आपको फ्राई करना है व्हाट आर यू हैविंग ओ एंड अगर आप चाहें ना तो अभी भी फ्राई कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो फॉर बेस्ट रिजल्ट ना फ्रिज में ना क्या क्या कर रही है वहाँ पे फ्रिज में ना हाफ एन आवर तक व्हाट हैपन या खाओ ऐसा सिर्फ आधा घंटा रख दीजिए, उसके बाद जब आप फ्राई करेंगे ना आप देखेंगे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। एंड हाँ अभी तक राई का रिजल्ट इस
अभी तक राय का रिजल्ट नहीं आया है कोडिंग का, पर मुझे लगता है क्योंकि वो लोग शायद सेंट्रल, व्हाट टाइमिंग डू दे मेंटेन, सेंट्रल यूएस टाइमिंग ना, सेंट्रल, तो मुझे लगता है इसीलिए शाम को हो सकता है. बट आई विल टेल यू ऑल क्या हुआ है रिजल्ट. जो भी हो, यू नो, बड़ा बात है दैट शी हैज़ पार्टिसिपेटेड एंड दैट इज़ द मेन थिंग. प्राइस का और क्या है, आता जाता रहेगा. तो हम लोग निकल रहे हैं एंड हर वक्त की तरह ही हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने देखा जल्दी जाने से जल्दी हो भी जाता है. एंड ये मेरा नहीं है, शौमिक का आइडिया है एंड काम भी किया. मम मम, आर यू एक्साइटेड? इट सीम्स राय की एक फ्रेंड ने दिया है, तो शी वाज सेइंग ना थोड़ा हाथ दर्द, और टू फ्रेंड ने दिया है, इट सीम्स थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, पर यहाँ में ना पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है. एंड एक्चुअली आज बहुत क्राउडेड भी है. पहले जब मैं और शौमिक लाइक यहाँ पे नहीं आए थे, वी वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं था. पर चलो कोई बात नहीं. तो फाइनली रायका हो गया है एंड सेकेंड शॉट इज ऑन लाइक जून फर्स्ट वीक को ही है, तो सेकेंड शॉट के लिए और अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हैं. पर मैं और शमिक ना बहुत कॉन्फिडेंट थे, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज हम लोग जब गए थे बिल्कुल भी रश एंड ऑल कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे. पर आज अच्छा खासा रश था, पर चलो अच्छा ही लगा, यू नो, सभी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना. अभी राय का हैंड थोड़ा पेन कर रहा है. तो हम लोग 5 बजे निकले थे एंड नाउ द टाइम इज 7:30 एंड मैं बोल रही थी ना ये सबसे नज़दीक का था, पर हाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. तो एनी हाउ अभी राय को बहुत इसी में ज़्यादा भूख लगा है एंड उसकी ना दो दोस्त बोल रही थी कि राय तुम ना बहुत सारा खा के जाना, तो हो सकता है बच्चों लोगों को भूख लगता है. तो इट वॉज़ गुड, यू नो, मैं सब प्रिपेयर करके गई थी, तो मैंने आके तुरंत मैंने ऑयल बिठा दिया है एंड हम सब ने, यू नो, अपना फुल ड्रेस एंड ऑल सब कुछ चेंज कर लिया है एंड सब वॉश को भी दे दिया है. तो ये ना आपको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा ऊपर ना बहुत जल्दी लाइक जल जाएगा. धीरे धीरे ये होगा. हाय फ्रेंड्स, तो आज शनिवार है एंड कल रात ना आने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे एंड मैंने जो वो चॉप बनाया था ना, तो राय ने तो सिर्फ एक खाया, मैंने दो खाया, शौमिक ने 2.5 खाया, तो उसके बाद बस हम लोगों ने डिनर ही नहीं किया. एंड राय का जो साइड इफेक्ट था ना, क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ कि राय शौमिक का कार्बन कॉपी है, तो सब कुछ शौमिक का जैसा ही है, तो राय का भी सेम हुआ. आने के बाद ही ना राय बोल रही थी मम्मी मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे बहुत लाइक नींद आ रहा है. तो फिर सिर्फ राय ने एक ही खाया एंड कल रात आई थिंक सो राय 9:30 बजे सो गई थी. तो अभी भी राय का हैंड्स दर्द कर रहा है, दैट्स इट, बुखार एंड ऑल कुछ भी नहीं आया, तो राय का सिर्फ हैंड दर्द कर रहा है. एंड हाँ, एक और बहुत ही अच्छा खबर है, कल जैसे फ्राइडे में वॉज फुल राय का डे ही था. फर्स्ट हम लोगों को सर्जरी अभी कराना नहीं पड़ेगा, वो पोस्टपोन्ड हो गया एंड वो देखेंगे, वी डोंट नो, मे बी वो ठीक भी हो सकता है. मैं हर वक्त आई ऑलवेज सी इन द पॉजिटिव साइड, मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा. वो है फिर तो राय का वैक्सीन हो गया फर्स्ट शॉट एंड द थर्ड जो बेस्ट न्यूज है जिसके बारे में आप लोग सब पूछ रहे थे कि फाइनली कोड विजर्ट का रिजल्ट भी आ गया है एंड राय सेकेंड हुई है. तो मैं जैसे बोल रही थी ना कि ऐसा नहीं है कि जो वोट से होगा वो ही जीतेंगे, क्योंकि जो थर्ड विनर है ना वो जैसे कि he was not there also in the top 10 and you know ye jo challenge tha na 2900 logo ne diya tha out of which 106 qualified to write the main code and usme se rai second aayi hai. to ye bahut hi sunke like hum log itna zyada khush ho gaye na and definitely thank you so much mere like rai ke sath to itna sara aap sab ka blessings tha na, to main bahut zyada hum log khush ho gaye and second winner ko वो लोग $50 दे रहे हैं एंड उसके साथ एक टी शर्ट, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको टी शर्ट मिल रहा है एंड फर्स्ट को 100, आई थिंक सो सेकेंड को 50 एंड थर्ड को 25.
तो दोपहर के लंच के लिए मैं बना रही हूँ चिली पनीर एंड मैंने और ये रेसिपी शेयर नहीं किया क्योंकि ये मैं चिंग्स का एक चिली चिकन का मसाला होता है ना मैं उसी से बना रही हूँ एंड पनीर को ना जिस तरीके से मैंने चिकन 65 को फ्राई किया था उसी तरीके से मैंने पनीर को पहले फ्राई कर लिया था। एंड शौमिक बोल रहे आज वो नूडल्स बनाएंगे बाहर, तो शौमिक द शेफ आ भी गए नूडल्स बनाने का, तो चलो बनाओ अभी। काफी लेट हो चुका है, नाउ द टाइम इज 2:15। सो अभी क्या कर रहे हो शेफ, बर्तन तो लो, बिना बर्तन के कैसे करके होगा। तो फुल कंफ्यूज शेफ मुझे लग रहे हैं, मार जाओगे या तुम जानबूझ के मार दोगे। ओके, सब कटिंग भी मैंने किया, सब कुछ किया, अभी सिर्फ भूनेंगे। तो ये रहा शौमिक ने जो नूडल्स बनाया है एंड देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो अभी टाइम में और कितना टाइम दिखाऊंगी नहीं, और 3 बजने वाला है एंड यहाँ पे है राय। मामा सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू फॉर वोटिंग मी। थैंक यू फॉर वोटिंग राय एंड फॉर ब्लेसिंग राय, जिसके वजह से राय हो गई सेकंड एंड उसमें भी शौमिक का प्रॉब्लम है। शौमिक इज लाइक मैं क्या व्हाट राय को बोल रहे, राय तुम जाके पूछो क्या गलती मैंने किया है, क्यों मुझे सेकंड किया। मैंने बोला रे ये चलता ही रहेगा। तो अभी कैन हम लक्ष्मी मां, हाउ आर यू फीलिंग? इट्स स्टिल रियली हर्ट्स, अदर देन दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम राइट? ना, तो राइट ठीक ही है, सिर्फ उसको पेन हो रहा है, बट डेफिनेटली आई फील दैट फाइनल कॉल तो आप सबका ही रहता है, बट मैं हर वक्त एनकरेज करूंगी ईच एंड एवरी वन को कि वी शुड गेट वैक्सीनेटेड। व्हाट डू यू से शौमिक? डेफिनेटली गेट वैक्सीनेटेड, बच्चों को भी अगर यूएस में दे रहे, अगर लाइक 12 ईयर्स से ज्यादा हो तो गेट वैक्सीनेटेड, पर जैसे फाइनल कॉल आपका ही रहता है। बट हाँ, आई ऑलवेज सपोर्ट कि वैक्सीन लेने से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, हम लोग यूएस में भी देख रहे हैं। तो चलिए विद दिस आई विल एंड टूडेज वीडियो। टूडेज क्या, 2 दिन से चला, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे पता है अभी बहुतों के बच्चे लोग वैक्सीन लेंगे। तो जैसे मैं बोली हूँ, सिर्फ राय का हैंड में दर्द हो रहा है एंड थोड़ा स्लीपी लग रहा है एंड बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलो विद दिस लवली लवली वेदर आई विल एंड टुडेज ब्लॉग को, मैं एंड करूंगी एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सेफ रहेंगे, मजे से रहिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा इसके बारे में। एंड हाउ विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर विशिंग राय एंड फॉर सपोर्टिंग हर। तो इस वीडियो को एक लाइक एंड हाँ चलिए बाय बाय।